संपन्न की ओर आम जन को अग्रसर करने में प्रधानमंत्री आवास योजना की बड़ी भूमिका है। और ये राहुल गांधी से पूछा जाना चाहिए कि आखिर इस देश के अंदर आज़ादी के 50-70 वर्षों में इस देश के अंदर सर्वाधिक समय तक कांग्रेस और राहुल की खानदान ने शासन किया। इन 70 वर्षों में अगर उन्होंने गरीबों के बारे में इस देश को सही जानकारी दी होती और योजनाओं का लाभ उन गरीबों को दिया होता तो एक बड़ी आबादी आवास से वंचित नहीं होती। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना दे करके अब तक 2 करोड़ से अधिक परिवारों को आवास उपलब्ध करवाया है। अगर उन 2 करोड़ परिवारों के पास आवास नहीं था तो राहुल गांधी की कांग्रेस और राहुल गांधी का खानदान इसके लिए जिम्मेदार है। इस देश के अंदर करोड़ों लोगों के पास अपना व्यक्तिगत शौचालय नहीं था। अगर उन करोड़ों लोगों के पास 8 करोड़ से अधिक ऐसे परिवार थे जिनके पास अपना शौचालय नहीं था, उन परिवारों के पास शौचालय नहीं था और प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगर इस शौचालय उन गरीबों को दिए हैं तो राहुल गांधी की कांग्रेस को और राहुल गांधी को इस देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए और प्रधानमंत्री जी के प्रति, मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए कि गरीबी हटाओ का नारा नहीं दिया गया बल्कि गरीबों को वास्तव में शासन की योजनाओं का लाभ दिया गया। करोड़ों परिवार ऐसे थे, 4 करोड़ परिवार इस देश के अंदर जब मोदी जी ने सत्ता संभाली थी तब ऐसे थे जिनके पास अपना विद्युत का कनेक्शन नहीं था। उन 4 करोड़ परिवारों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाने का जो सराहनीय कार्य मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, कांग्रेस को इसके लिए देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। और यही नहीं, नौजवानों के लिए कौशल विकास के माध्यम से प्लेसमेंट की गारंटी देना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप योजना और स्टार्टअप के माध्यम से उनके जीवन में खुशहाली लाने का जो कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, कांग्रेस विफल थी। कांग्रेस को इसके लिए देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, कांग्रेस इसके लिए दोषी है।